नौसेना दिवस के अवसर पर मथुरा के स्थानीय होटल में पूर्व नौ सैनिकों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए सलामी दी। रविवार को NH-2 नवादा मथुरा के स्थानीय होटल विनायक पैलेस में पूर्व नौ सैनिकों ने नौसेना दिवस मनाया। जिला संयोजक डॉक्टर रमेश चंद्र ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत COVID-19 को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम COVID-19 को लेकर सूक्ष्म तरीके से किया गया। इस साल बच्चों को नहीं बुलाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान एवं ध्वजारोहण के साथ की गई तथा वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में नौसेना के परिवार के सदस्यों का सम्मान किया गया। आगरा से आए मुख्य अतिथि रामपाल सिंह ऑनरी लेफ्टिनेंट 1971 युद्ध के नायक ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी तथा सभी को आजीवन देश हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। आज नेवी डे का प्रोग्राम किया गया है, आयोजन किया जा रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर रमेश चंद, जिला संयोजक भूतपूर्व नौसैनिक एसोसिएशन मथुरा। जैसा कि हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे हम भूतपूर्व सैनिक मनाते हैं, हमारा नेवी वीक होता है और सूटेबिलिटी के हिसाब से आज 13 दिसंबर को हम नौसेना दिवस मनाते हैं, मना रहे हैं। होटल विनायक पैलेस में हमारे सभी साथी यहाँ उपस्थित हैं। इस बार हमने COVID-19 को ध्यान में रखते हुए बहुत कम संख्या में भीड़ बुलाई है, बच्चे नहीं आए, फैमिली नहीं आई है और राष्ट्रीय ध्वज हमने फहराया है। नेवल इंसाइन जो हमारी भारतीय नौसेना का फ्लैग है उसको फहराया है। राष्ट्रगान के साथ हमने कार्यक्रम की शुरुआत की है और अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देकर हमने इस कार्यक्रम को शुरू करके हर साल हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे भूतपूर्व सैनिक हमेशा प्रेरित रहें देशभक्ति और कर्मठता के लिए, ईमानदारी के लिए। हम रिटायरमेंट होने के बाद भी अपना कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।